अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। जी, आज हम वेलवेट लीफ प्लांट पे बात करेंगे। ये बहुत खूबसूरत और बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है, सेंसीवेरिया और बाकी सकुलेंट्स की तरह। बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती इसकी और ना इसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। आज हम इसकी प्रोपोगेशन पर बात करेंगे कि इसकी हम स्टेम कटिंग के ज़रिए भी प्रोपोगेशन कर सकते हैं और लीफ कटिंग के ज़रिए भी इसकी प्रोपोगेशन कर सकते हैं। और एक कुदरती मेथड है इसका प्रोपोगेशन का, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए, ये देखें, ये बैक साइड है प्लांट की और ये देखें, ये लीव के अंदर से रूट्स भी बन गई हैं और पप्स भी निकलना शुरू हो चुके हैं, जबकि लीव जो है वो प्लांट के ऊपर लगे हुए हैं। इसकी वजह क्या है? जस्ट मैं इस प्लांट को जब भी वाटरिंग करती हूँ तो मैं शावरिंग कर देती थी ताकि प्लांट को ओवर वाटरिंग ना हो। और इसी तरीके से ये देखिए, ये कितने सारे प्लांट बन गए हैं। तो इन प्लांट्स को हम अलग अलग करके एक एक ग्रो कर देंगे और बहुत से प्लांट्स बन जाएंगे हमारे पास। ये देखिए, प्लांट का ऊपर वाला पोर्शन मैंने उतारा है तो इसके साथ से माशाल्लाह ये देखें, इतने सारे प्लांट्स बने। ये वाला सेंटर वाला शूट है जहाँ से प्लांट ग्रोथ कर रहा था और इसके नीचे भी ये देखें कितनी सारी रूट्स बनी हुई हैं। ये देखें, यहाँ तो बकायदा प्लांट्स बन चुके हैं ना। और कुछ दिन पहले काम करते हुए मैंने एक लीव इसका नीचे गिरा हुआ उठा के तो मिट्टी में दबा दिया था, उसकी कंडीशन देखते हैं कि क्या है। तो ये देखें जी, इसकी भी माशाल्लाह रूट्स भी बन चुकी हैं और इसकी ये देखें बेबी प्लांट्स भी बन रहे हैं इसके। ये देखें, धूप बहुत ज़्यादा है और मुझे समझ नहीं आ पा रही कि फोकस हो रहा है कि नहीं। ये देखें, ये छोटे छोटे से प्लांट्स बन रहे हैं और एक प्लांट मैंने इससे भी पहले ग्रो किया था, एक लीव सॉरी, तो उसकी देखते हैं कितनी रूट्स बनी हुई हैं और लीव्स निकलना शुरू हुए हैं कि नहीं इसके। ये देखिए, इसकी माशाल्लाह ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो चुकी है, बहुत सारी रूट्स बनी हुई हैं इसकी, लेकिन अभी इसका लीव्स आई थिंक ये वाली इसकी शूट्स निकलना शुरू हो रही है। ये देखिए, तो यूँ हम वेलवेट लीफ प्लांट को बहुत ही आसानी के साथ ग्रो कर सकते हैं, कटिंग के ज़रिए और लीफ कटिंग के ज़रिए भी ग्रो कर सकते हैं। और जो कुदरत ने इसको खुद से प्रोपोगेट किया हुआ है, इसके ज़रिए भी हम इनको एक प्लांट को बहुत से प्लांट्स इसके बना सकते हैं। और ये भी मैंने जो प्लांट ग्रो किए हुए हैं, ये काम करते हुए कटिंग टूट गई थी मेरे से तो मैंने इसके अंदर लगा दी, तो ये देखें माशाल्लाह इसकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी चल रही है। तो इनको अब हमने किसी भी अच्छे सॉइल मीडियम में लगा देना है जो पोरस हो और जिसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा ना रुके। तो चलिए अब हम इनको ग्रो करते हैं और इनको ग्रो करने के लिए मैंने ये दो कप्स लिए हैं, दो प्लांट इसमें लगा दूंगी, बाकी मैं इस उसी वाले पॉट में लगा दूंगी क्योंकि अभी पॉट्स बहुत ज़्यादा खाली नहीं है तो थोड़ी टेंशन है स्पेस की। इस तरह से इसकी रूट्स वाला हिस्सा हमने नीचे रख के तो इसको सॉइल के अंदर आहिस्ता से बिल्कुल दबा देना है, हल्के हाथ से बिल्कुल। और ऐसे ही ये देखिए, ये जो प्लांट बना हुआ है इसकी रूट्स को भी हमने नीचे कर देना है और इसको आराम से मिट्टी के अंदर दबा देना है और हल्का सा पानी डाल देंगे। जब इस तरह से प्लांट अपने ऊपर ही रूट बनाना शुरू कर देता है पौधे के ऊपर, तो ये देखें जो नीचे की स्टेम होती है वो सूख जाती है बिल्कुल। ये देखें, ये मैंने अभी सीजर से कट किया है तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करना चाहिए कि प्लांट काफ़ी हार्डी है और इसकी जो स्टेम है ये यहाँ तक बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। ये देखें, तो ये जो लीव्स हैं रूट्स वाले, इनको मैं दोबारा इसके अंदर सेट करती हूँ। ये देखिए, ये सेट हो गए सारे, इनके अंदर जो मिट्टी है वो ऑलरेडी नम है काफ़ी ज़्यादा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले शावरिंग की थी तो इनको पानी नहीं दूंगी। और ये जिनको ग्लास में लगाया है इनके अंदर मैं हल्की सी वाटरिंग कर दूँगी। ये देखिए, तो आई होप कि आपको वेलवेट लीफ प्लांट का कटिंग के ज़रिए और लीफ के ज़रिए ग्रो करने का मेथड जो है वो समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी और खूबसूरत से प्लांट को लेके। तो इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।
और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। ओके जी, हैप्पी गार्डनिंग, अल्लाह हाफिज़।